तो दोस्तों, मैं हर्ष बत्रा अल्फा न्यूज़ टीवी की ओर से आज हम बैठे हैं सहारनपुर में, और हमारे साथ हैं मास्टर जी और उनके बेटे जो कि फार्मेसी में काम करते हैं। और आज का जो दिन है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि अभी अभी हमारे प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी, में अमेरिका दौरे से वापस आए हैं, और उन्होंने जो हमारी अल्फा न्यूज़ की पत्रिका है उसको 5 साल के लिए अप्रूवल दे दिया है। और ये सब जो हुआ है ये हमारे मास्टर जी के आशीर्वाद से, और उन्होंने जो ये आशीर्वाद है प्रभु का आशीर्वाद है, जो परमपिता परमेश्वर जिन्होंने स्वर्ग धरती आसमान चांद सितारे हमको बनाया, उनके अनुग्रह से जो निराकार है उसके द्वारा जो आज मानते हैं हम कि उन्होंने सृष्टि की संरचना की है, और आज हम उनकी करुणा में, उनकी दया में, उनके प्रेम में आज बैठे हैं। तो अब हम मास्टर जी से ये पूछे देखेंगे कि जो अमेरिका दौरा जो प्रधानमंत्री जी का अभी अमेरिका में हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। आदरणीय हर्ष जी, जो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनका जो स्वागत किया है भारतीय लोगों ने, तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने जो योग का जो प्रदर्शन किया है उसमें लगभग 180 लोग, देशों के लोग सम्मिलित थे। योग के द्वारा भारत ने एक नई क्रांति पैदा की है, और योग के द्वारा आप देखते हैं आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, इन सब का विकास होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े योजस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना परचम फैलाया है। यह सदैव इसी धारणा के लिए विदेश जाते हैं, और भारत की जो गरिमा है, सम्मान है, उसको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। कल आपने देखा होगा वाशिंगटन के अंदर जो प्रधानमंत्री जी का वहाँ की जो संसद है, स्पीकर थे वहाँ राष्ट्रपति जो ये बाइडेन थे, जिल बाइडेन थी, तो उनको उनके सामने संसद के सभी पक्ष और विपक्ष के सांसदों को संबोधित किया। उसमें लगभग 16 बार खड़े होकर वहाँ के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो स्वागत किया वो बड़ा ही देश के लिए बड़े सम्मान के पात्र हैं, तथा कई बार तो यहाँ तक कि उत्सुकता आई कि भारत जो है विश्व में पहले 10वें स्थान पर था, लेकिन मोदी जी के प्रयासों से आज उसकी छवि जो है 5वें स्थान पर आ गई है। यदि 2024 का चुनाव होता है तो भारत के अंदर भाजपा सरकार के 400 से अधिक सांसद जीत कर जाएंगे, और ये देश के लिए सौभाग्य होगा कि भारत जो है रक्षा क्षेत्र में भी वहाँ की टेक्नोलॉजी ने कितना विकसित किया है। नासा के वैज्ञानिकों से बातचीत हुई है प्रधानमंत्री जी की, राष्ट्रपति बाइडेन की, और उन्होंने भी जो जेट की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को प्रदान की है, तथा रक्षा सौदों में भी विशेष सराहनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री जी सदैव आतंकवाद के लिए जो है उसको समाप्त करने के लिए विश्व स्तर पर अपना प्रयास जारी रखते हैं, यह उनकी बड़ी देन है। वहाँ पर अमेरिका के अंदर 9/11 के अंदर जो विस्फोट हुआ था उसका भी उन्होंने चर्चा की है, तथा भारत में भी 26/11 में जो आतंकवाद का विस्फोट हुआ था उसकी भी चर्चा की है। भारत शांति का प्रतीक है, ये सभी देशों को सलाह दे रहा है कि भारत के अंदर ये शांति चाहता है। यदि कोई हमसे हमारी भूमि पर कोई कब्जा करेगा तो अप्रत्यक्ष रूप में उसने, मोदी जी ने पाकिस्तान और चीन को भी एक तरह से संदेश पहुंचा दिया है कि भारत शांत है, लेकिन जब इसके ऊपर कोई युद्ध थोपा जाएगा तो उसका जो है ये विशेष मुकाबला करेगा। यही भारत की इच्छाएं हैं और यही भारत का शासन है। प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि 5 करोड़ से अधिक लोगों के घर जो हैं जिनके ऊपर आसरा नहीं था या जिन घरों के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं थी, जो फुटपाथ पर रहते थे उनके आवास बनाए, तथा देश के अंदर एक जो स्वास्थ्य संबंधी योजना है वो पूरे विश्व के अंदर उसका भी परचम लहराया गया है। हर एक को स्वास्थ्य सेवा से जोड़कर भारत ने एक परचम लहराया गया है। सभी सेवाएं और जो गरीब लोग थे, आपने देखा कोविड के अंदर, तथा अब भी 90 करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, एलपीजी के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जो सड़कों का विस्तार भारत के अंदर हो रहा है, वह विश्व में एक बहुत बड़ा कदम है। भारत के प्रत्येक गांव को नेट से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, तथा इसमें जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने विशेष योगदान दिया है। जितनी भी सड़कें हाईवे जो बन रहे हैं वो 6 लेन से या 4 लेन बन रहे हैं, उनके ऊपर चलना कितना आसान हो रहा है। जो एक्सप्रेस वे हैं उनके ऊपर कितनी आसानी से चल रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन जो है भारत के हरेक शहर से जोड़ने का कार्य करेंगी। मोदी का कितना बड़ा संकल्प है। इसके अलावा भारत के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनकी संख्या भी भारत में दुगुनी से ज़्यादा कर दी गई है, तथा यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं तथा स्वास्थ्य संबंधी जो उपचार है ये मोदी की देन है। अतः भारत के अंदर जो विकास होगा, भारत के अंदर जो एक तरक्की होगी, भारत का जो प्रत्येक नागरिक जो गांव से जुड़ा हुआ है वो उससे में सम्मिलित होकर भारत में सहयोग करने का कार्य करेगा। कृषि क्षेत्र में कितना योगदान मोदी जी ने किया है, जो आपके मिलेटेंट्स हैं, जो मोटे अनाज हैं जैसे ज्वार है, बाजरा है, उसको इस वर्ष एक मिलेटेंट्स वर्ष के नाम से घोषित किया गया है। क्या ये भारत की सभी देन नहीं है? भारत एक विश्व के अंदर अपनी एक छाप छोड़ेगा, तथा भारत इस देश के लिए तथा विदेशों के लिए सहायता भी करेगा। भारत ने समय समय पर जब किसी देश के अंदर आपदाएं आई, किसी देश के अंदर कोई राजनीतिक संकट आया, तो उसके सहायता करने के लिए भी भारत ने बहुत कुछ किया, तथा कोविड काल में इसी दौरान भाजपा सरकार ने कितने कार्य किए। आपने देखा होगा जब सड़कों के अंदर लोग पड़े हुए थे, दवाइयां उन्हें नहीं मिल रही थी, तो कितनी संस्थाओं ने मिलकर उसमें सहयोग की भावना की, तथा कितने लोगों ने इसका सहयोग किया। ये भारत की देन है, ये मोदी जी की देन है, ये भाजपा की देन है। आज हम उसी मोदी जी का जब बार बार नारे लगते हैं विदेशों के अंदर, और कुछ देशों के राष्ट्रपति तो पैर तक छूते हैं, तो क्यों छूते हैं? क्योंकि वो सभी विदेशों को साथ लेकर चलते हैं, सहयोग की भावना करते हैं, और एक हिंदू राष्ट्र की भावना से प्रेरित होकर मोदी जी ने जो कार्य किए हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। आपने देखा राम मंदिर का मुद्दा कितने वर्षों तक अदालत के अंदर पड़ा रहा, लेकिन मोदी जी के प्रयास से एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तथा 24 जून के अंदर रामलला के दर्शन प्रत्येक परिवार कर सकते हैं। तो ये भी तो मोदी की देन है। मोदी जी इस देश के लिए, विदेशों के लिए या दूसरे राष्ट्रों के लिए जो कार्य कर रहे हैं ये बड़ा एक महान कार्य है। धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं मास्टर जी का कि आज जो उन्होंने एक जो चर्चा है, जो अल्फ़ा नेटवर्क टीवी के नाम से जो हमारा चैनल है, मैं एडिटर हूँ अल्फ़ा नेटवर्क टीवी .com का, हर्ष कृष्ण बत्रा, जो कि भाजपा से और आरएसएस से हम लोग जुड़े हुए हैं, हमारे ग्रैंडफादर फादर करीब हम जिसको कहते हैं 60-70 वर्षों से आरएसएस संघ से जुड़े हुए हैं, और श्री हेडगवार जी जिनके आदर्शों पर चलकर आरएसएस और संघ की स्थापना हुई, गुरु जी का जो
जो आदर्श थे उन पर चलते हुए एबीवीपी की संस्थापना हुई। जब मैं पूना में अध्ययन करता था तो गडकरी जी के उसमें नितिन गडकरी जी के एबीवीपी के संचालन के प्रोग्रामों में मैं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता, और उसके लिए मैं नितिन गडकरी जी का, आरएसएस का, भाजपा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज भारत जो एक देश है, एक विशालकाय देश बन चुका है, जो आने वाले टाइम में एक भारत की महान शक्ति, विश्व की महान शक्ति बन के उभरेगा। और आप देखेंगे दोस्तों कि भारत जो है सनातन धर्म का, जो वर्षों से लेकर चलता आया है, जो निराकार परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने स्वर्ग धरती आसमान चांद सितारे हमको बनाया, पूरी सृष्टि की संरचना की अनुग्रह में चलते हुए जो सनातन धर्म है, परमपिता परमेश्वर की महिमा है, उसको पूरे विश्व में जाना जाता है कि भारत का जो दर्शन है, जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वो पूरे विश्व में आज मानी जाती है, उसको देखा जाता है। जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही धार्मिक लोग हैं, उनकी आस्था जो है वो प्रभु में है, वो मानते हैं कि प्रभु का वास हमारे दिलों में है, उनका प्यार जो है हमारे दिलों में है, उनकी जो आस्था है उनकी आत्मा में है, क्योंकि वो प्रभु की, परमात्मा की आत्मा जो निराकार हैं हमारे अंदर बसती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और अब हम मास्टर जी के जो बेटे हैं, जो फार्मेसी के क्षेत्र में बहुत अग्रणी रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं, आज उनके साथ बैठने का हमें मौका मिला है। और हम ये देखेंगे, आने वाले वर्षों में देखेंगे कि मास्टर जी के परिवार का जो आशीर्वाद है, अनुग्रह है, क्योंकि हमारे पड़ोसी नहीं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, मैं उनके बेटे जैसा हूँ, और आज उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसके कारण हम धन्य हुए हैं, और उसके कारण आज हमारी पत्रिका और हमारे चैनल को बड़े बड़े अवार्ड मिल रहे हैं। और हम मास्टर जी को धन्यवाद करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें उस लायक समझा कि हमें इतना 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, मीडिया का, एडवर्टाइजमेंट का, और पूरे देश में जिसको है भारत देश में अपनी संस्कृति और उसको फैलाने के लिए परमपिता परमेश्वर के अनुग्रह में हम धन्यवाद करते हैं परमपिता परमेश्वर का कि उनकी महिमा अपरंपार है, उनकी प्यार अपरंपार है, उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी क्षमा अपरंपार है, उनकी महिमा से लेके महिमा तक स्वर्ग भी उनको नहीं रख सकते, उनकी महिमा के आगे परमेश्वर की एक दहाड़ पर पहाड़ पिघल जाते हैं, नदियां रास्ता बदल लेती हैं, सृष्टि बदल जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है, परमपिता परमेश्वर का जो जो जिनकी समझ, जो सोच है, वो हमारे विचारों से बहुत ऊपर है। जैसे स्वर्ग बहुत ऊपर है और पृथ्वी नीचे है, हम उसको समझ नहीं सकते, ऐसे ही परमपिता परमेश्वर, उनके विचार बहुत ऊँचे हैं और हम उनको समझना मुश्किल है। मोदी जी के लिए जो जो परमेश्वर का उनके ऊपर अनुग्रह है, जो भारत देश को लेकर आरएसएस, परमपिता परमेश्वर का जो अनुग्रह है आरएसएस के ऊपर, भाजपा के ऊपर, पूरे देश के ऊपर, आज विश्व में माना जा रहा है, हर प्रकार के संस्कृति को लेते हुए 22 भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती हैं, और अन्य अन्य जिसको कहते हैं भोजन के प्रकार के होते हुए भी हम भारत एक देश है, जो आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। तो अब हम उनके बेटे से आग्रह करते हैं कि वो अपने बारे में और अपने फार्मेसी के क्षेत्र के बारे में कुछ बताएं। सर्वप्रथम परमात्मा परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सृष्टि इसी से चलती है, और परमात्मा कण कण में व्याप्त है, करने वाला ये परमात्मा ही है। और सेकंड थिंग ये है कि हर्ष बत्रा जी, इनका अल्फा न्यूज चैनल है, इनका भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत करते हैं, और इनका चैनल और न्यूज चैनल और मीडिया जो भी है ये बहुत आगे तक गए। और रही बात हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की, इनका वर्चस्व सारा संसार जानता है कि इन्होंने क्या क्या कर्म किए हैं और कहां कहां क्या क्या किया है। पिछले कई वर्षों में हिंदुस्तान की वो स्थिति आ चुकी है,
अब क्योंकि पहले जो सरकार रही है उन्होंने कुछ इतना काम नहीं किया था, अब जितनी भी सरकारें अब जब से भी भाजपा की सरकार आई है, श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हर क्षेत्र में इतना काम किया है कि वो गर्व श्री नरेंद्र मोदी जी का बोलता है। चाहे कृषि के क्षेत्र में लगा लो, चाहे आप ट्रेन के क्षेत्र में लगा लो, वंदे भारत माता जो ट्रेन चलाई है, इसमें पूरी जो सुविधाएं हैं वो भी वर्ल्ड क्लास की सुविधाएं दी हैं। तो ये सारा काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही किया है और आगे भी सरकार 2024 का जो इलेक्शन है, परमात्मा की यही कृपा रही तो बहुत अच्छी सीटों से जीत कर आएंगे नरेंद्र मोदी जी। और सड़कों की रही बात, इतना विकास सड़कों का हुआ है, बिजली का हुआ है, और गांव-गांव में आप जहां कोई सुविधाएं नहीं थी बिजली वहां पे चली गई, और जितनी सुविधाएं हैं सड़कों की, छोटी छोटी सड़कें भी गांव के अंदर बना दी गई, जहां पे कहीं जाना दुर्लभ होता था, लेकिन अब जो है बहुत अच्छी सुविधाएँ इस सरकार ने की हैं। और उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट था, इसमें घुसना भी दूभर था, सड़कें भी कहाँ थी और बिजली पानी की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके इतनी सुविधाएं कर दी हैं। कानून व्यवस्था देखो, जितने भी हिस्ट्री सीटर, जितने भी बदमाश थे, सारे उन्होंने बिल्कुल चुप चुप के मार दिए। और अभी आजकल बाजार में चले जाओ, कहीं बाहर चले जाओ, बेटियों का इतना अच्छा रहता है, पहले लड़कियों को कहीं भेज नहीं सकते थे आदमी, अब इनको कहीं भी भेज दो तो कोई खतरा नहीं रहता, क्योंकि कानून व्यवस्था इतने ऊंचे लेवल की होगी कि बहुत कुछ हो गया है। अभी रिलेटेड हूँ और मेडिसिन के बारे में जितना भी है सारा का सारा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जो की, अभी स्टेट गवर्नमेंट में हूँ, तो अभी मोदी जी ने जो हमारी जो जेनरिक दवाई हैं, औषधि केंद्र खोले हुए हैं, वो गरीबों तक दवाई जो है सस्ती पहुंचा रहे हैं। जो दवाई बहुत महंगी महंगी थी, वो दवाई अभी जो जन औषधि केंद्र हैं उनमें बहुत सस्ती मिल चुकी हैं। जो गरीब लोग हैं वो महंगी महंगी दवाई नहीं खरीद पाते थे, और लेकिन अब जो है बहुत अच्छी दवाई उनको सस्ते दामों पे मिल रही है, और बहुत ही उनको फ़ायदा है, ज़िंदगी उनकी बनी है, क्योंकि पहले वो जो महंगी दवाई थी वो नहीं खरीद पाते थे, बहुत से लोग मर जाते थे। लेकिन अभी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि इन्होंने गरीब लोगों को बहुत सुविधाएं दी हैं, और जितना भी हो सके उतनी सुविधाएं देने का काम किया है। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मास्टर जी के बेटे का, आज के समय का जो अल्फ़ा न्यूज़ अल्फ़ा नेटवर्क टीवी के साथ गुजारा है, और इसी प्राण हम इस बात का आज प्रण लेते हैं, संकल्प करते हैं कि परमपिता परमेश्वर जो पूरे सृष्टि को बनाने वाले हैं, हमको हम को बनाने वाले हैं, उनको महिमा मिले, पूरा संसार मिलके उनकी महिमा को, भारत राष्ट्र मिलके उनकी महिमा को आगे बढ़ाएं, भारत को आगे बढ़ाएं, एक जिसको कहते हैं सशक्त राष्ट्र, जिसके पीछे पूरी दुनिया जिसको कहते हैं साथ लेकर के चले, भारत राष्ट्र के लिए हम भारत माता की जय बोलते हैं, भारत राष्ट्र की जय बोलते हैं। बीजेपी श्री नरेंद्र मोदी जी की जय हो, वो और ऊंचे स्थानों पर जाएं। श्री योगी जी की जय हो, जो एक नई दिशा के साथ भारत के साथ जोड़ रहे हुए हैं। और उसके साथ साथ नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करते हैं, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हैं, और इसी के साथ अल्फा न्यूज़ को आज खत्म करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ दिन।